फिलहाल एक और कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग को लेकर यह मामला है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे देते हैं, क्योंकि खबर बड़ी है। जम्मू कश्मीर परिसीमन मामला जब हम आपको बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होनी थी, क्योंकि आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। परिसीमन आयोग के गठन पर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि जनरल तुषार मेहता के तर्क सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी जानकारी 5 के 5 में आपको दे रहे हैं। फिलहाल इश्फाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे सीनियर साथी जुड़ गए हैं। इश्फाक, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इश्फाक, क्या कहेंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, क्या तर्क हालांकि इसमें दिया गया है? देखिए, पिछले 3 दिन से अदालत के अंदर ये पूरा मामला सुना जा रहा था और पिछले 2 दिन से जो वकील हैं वो अपना तर्क रख रहे थे, चाहे खान साहब का वकील था या दूसरे वकील थे, वो लगातार अपनी बात रख रहे थे कि ये जो सारा परिसीमन का आयोग की तरफ से काम किया गया जी, ये ग्रॉस वायलेशन है। मुख्तलिफ कानूनों का वो हवाला देते रहे थे, जिनमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसका जो पर्टिकुलर सेक्शंस है उनका इन्होंने जिक्र किया, ये जी उनकी वायलेशन है और ये इस तरीके से नहीं हो सकता है जिस तरीके से करने की कोशिश की गई। कल भी जनाब जस्टिस एस के कोल साहब और अबे एस ओका साहब ने इस पूरे मामले को सुना, आज भी जस्टिस एस के कोल साहब और अबे ओका साहब ने ये पूरा मामला सुना और सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल है वो पेश हुए थे, इलेक्शन कमीशन साहब के वकील थे और इस तरीके से पूरा बहस जो तकरीबन 20 से 22 मिनट तक का मामला जो है वो चला और इस दौरान काफी तीखी बहस जो है वो दोनों तरफ से हुई। हाजी अब्दुल गनी खान जो कांग्रेस के हैं और अब्दुल मोहम्मद अयूब मट्टू साहब जो है इनकी तरफ के जो वकील हैं, उन्होंने लगातार ये कहा कि जनाब ये जो हमने दरख्वास्त दी है हमारा इतना ही मकसद है कि वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है, इसलिए इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत ही 2026 तक ये परिसीमन आयोग नहीं बन सकता है और पूरे देश में 2026 में परिसीमन होना है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में कैसे इसको बनाया गया, एक तो उनका ये तर्क था। दूसरा उनका ये तर्क था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी इसको एंडोर्स किया है जी 2026 वाले मामले को, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखा जाए। और तीसरी बड़ी बात उनकी ये थी कि अभी ये पूरा मामला सब ज्यूडिस था और सरकार एक के बाद एक ऑर्डर निकाल रही है जो बेसिक लॉ की वायलेशन है। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने 2-4 बड़े पॉइंट्स रखे। एक गृह मंत्रालय का जो एफिडेविट है जो आज वहां रखा गया था और इलेक्शन कमीशन का जो समरी थी उसमें भी इस बात को रखा गया था कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलाया गया और संविधान के दायरे में रहकर ये सारा कुछ चलाया गया, नंबर वन। नंबर दो जो सबसे बड़ी बात इसमें कही गई वो ये थी कि देखिए ये तभी पॉसिबल था जब हमने पहली नोटिफिकेशन निकाली थी डिलिमिटेशन की, अगर उस वक्त ये आता सामने और मुख्तलिफ बातें होती तो शायद सरकार कुछ भी सोच लेती, लेकिन अब जब नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बाद शुरू हो गई है, जारी हो गई है और पूरा मामला चल चुका है, लॉ बन चुका है, अब संविधान ही यह कहता है कि इस पूरे मामले पर कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता और कहीं पर भी उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता डिलिमिटेशन वाले मामले को, और यह कहा कि यह कोई भी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 170 जो काई आईन का है और यह किसी भी तरीके से कंट्राडिक्ट नहीं है जी जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। ये सारी बातें सुनने के बाद दोनों जज साहबान ने इस बात का फैसला लिया कि फिलहाल फैसले को महफूज रखा जाए और मेरे ख्याल से कल या परसों तक वो रिटन डिसीजन जो वो आएगा, और इस तरीके से आज तीसरे दिन ये पूरी बहस कंप्लीट हुई और अब सबकी नजरें कोर्ट रूम पर जज साहिबान पर रहेंगी, ऑनरेबल जज पर रहेंगी कि वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे। अगर फैसला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर फैसला गनी खान और अयूब मट्टू साहब के हक में हुआ तो पीएचडी के लिए खुशी का आलम होगा, पीएचडी कहेगी कि आधी जंग हमने जीत ली अब आधा हमने जीतना है, ये सीधी सी बात है, सियासत इस पर काफी ज्यादा होगी। और अगर एडवर्स में आता है, इन दोनों लीडर्स के एडवर्स में ये सिस्टम आता है तो उससे भारत सरकार का पक्ष और मजबूत होगा और बीजेपी और दीगर पार्टियां जो इसके हक में है 2019 में जो फैसला लिया गया है तो ये वहां से भी इस पर जश्न होगा, वहां से भी बातें जो है वो आएंगी, रिएक्शंस आएंगी, तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में इस पूरे मुद्दे पर काफी गर्म होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नजरें सबकी रहेंगी जी सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जज साहिबान पर जब ये अपना डिसीजन सुनाएंगे।
ठीक है इश्फाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल राजनीति माहौल बेहद गर्म हो सकता है इस फैसले के बाद, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, एक दो दिन में यह फैसला आ जाएगा। और सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज उस फैसले